सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज का ये ब्लॉग आपको देख के आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने इस पर ब्लॉग बनाया है, बट मैंने सोचा जाए कन्नौज महोत्सव के अंदर, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, बट यहाँ का फुल ब्लॉग आपको दिखाएंगे हम कि कैसा है, और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि कितने स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर बिक रहा है, कैसा क्या है, जो कि सेल्फी पॉइंट है, आई लव कन्नौज लिखा हुआ है सामने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना उसे कैप्चर किया जाए। बस फर्स्ट में रखे हुए ढोल जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये है सेल्फी पॉइंट जो कि आई लव कन्नौज लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इससे पहले भी मैंने एक ब्लॉग बनाया है, जिसने नहीं देखा है वो आपको आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देखें इस ब्लॉग को। तो गाइस जैसा कि आप देख रही है स्टॉल है, बट स्टॉल नंबर 25 है, और भी ढेर सारे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे कि ये साड़ीज का है स्टॉल यहाँ पर, और इस यहाँ पर ये है कंबल्स हैं एक से एक वैरायटी के, जो कि सीजन चल ही रहा है, आप आए यहाँ पर विजिट करें आके। बट इस साइड यहाँ पर बेसकोट लाइक सदरी, और ये सॉल हैं जो कि बूलन के यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और इस साइड यहाँ पर ये साड़ियाँ हैं, लाइक कह सकते हैं कि काफ़ी लेटेस्ट साड़ियाँ हैं, और इस साइड देख सकते हैं आपकी ये ड्राई फ्रूट वगैरह यहाँ पर, इसका भी स्टॉल लगा हुआ है, और यहाँ पर ये कीज वगैरह का लाइक ये देख सकते हैं, एक स्टॉल ये भी देख सकते हैं विक्रांत हॉस्पिटल की तरफ से ये लगाया गया है। और कुछ सभी ने अपने अपने लगा रखे, लाइक प्रमोशन कह सकते हैं या जो भी बोलें, और कुर्तीज वगैरह सारा कुछ है यहाँ पर। इस साइड भी हैं लड़कियों के लिए, और काफ़ी स्टॉल हैं, बट कहने का मतलब ये है कि अगर बारीकी से अगर हम बनाएं तो काफ़ी लंबा मेरा वीडियो चला जाएगा, बट हम प्रयास करते हैं कि सारा कुछ यहाँ पर दिखाएं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। और ये पुलिस सहायता केंद्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्नौज पुलिस मित्र पुलिस, काफ़ी अच्छा खूबसूरत काफ़ी बढ़िया बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। ये लाइक गाड़ी भी है, और 100 डायल भी जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस साइड वो स्टेज है जैसा कि आप सामने इस साइड आप देख सकते हैं कि स्टेज है, जो कि यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, जो कि आज का देखते हैं कि आज जो कौन सा कार्यक्रम होगा उसे दिखाते हैं हम, देखेंगे पहले पता करें कि आज किस चीज़ का कार्यक्रम है। ये रहा स्टेज मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। शासन के द्वारा जो विभाग हमारे विभागों में जो महिला कर्मचारी, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उनके द्वारा जो उत्कृष्ट किया गया है, उनके द्वारा जो महिलाओं के लिए, बट अभी तो खाली है, शाम होते होते रात होते होते जब प्रोग्राम होंगे तो सारा ये जो आपको खाली दिख रहा है वो एकदम पूरा एकदम फ्रेश इतना हो जाएगा हद से ज़्यादा। और जो कि शायद जो मुझे पता है, मुझे जो मेरी नॉलेज के हिसाब से आई थिंक पूरा 17 साल हो चुका है, उसके बाद बड़ा ही तगड़ा ये महोत्सव करवाया गया है, कह सकते हैं काफ़ी भव्य है ये, और पंडाल की तो भाई क्या कह सकते हैं भाई, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आई थिंक हमारे कन्नौज की शान कह सकते हैं, जो कि ये महोत्सव नंबर 1 यूपी कि कितना सुंदर लगा हुआ है, और देख सकते हैं आपकी काफ़ी अच्छा सजा हुआ है ये यहाँ पर, जो कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है, कहने का मतलब ये है। मैंने बोला था ना कि आपको बारीकी से और थोड़ा सा इत्मीनान शब्द रखें, आपको बड़े अच्छे से हम इस ब्लॉग को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, बट वही मैं कर रहा हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था।
श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हालांकि सभी को पता है बच्चे बच्चे को और उनके कार्यकाल के बारे में भी पता है सभी को, क्या चल रहा है, कैसा क्या है, सभी कुछ। इस साइड भी देख सकते हैं स्टॉल लगे हैं टॉयज वगैरह का है, इस साइड लाइक केक, और सामने पानी की बोतल्स है, और इस साइड टिक्की लाइक कह सकते हैं चाट पकौड़े, और साइड ये आर्टिफिशियल देख सकते हैं कि ये वृक्ष लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बट काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। और ये तो जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, हालांकि अभी ये डे का व्यू है, बट रात होते होते जब रात को यहाँ का जब प्रयास करेंगे कि रात का इसको ब्लॉग को कैप्चर करें, और ये बैलगाड़ी आपको पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है बैलगाड़ी को कि बैलगाड़ी है। और साइड भी लेदर्स के लाइक हैंडबैग लेडीज़ के हैं, और लाइक काफ़ी चीज़ हैं लेदर्स की कब जो कि काफ़ी ऑथेंटिक लग रहा है देखने में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे मित्र हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपना स्टोर लगा रखा है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं साइड ये साड़ीज़ वगैरह लगी हुई हैं, एक अंकल जी बैठे हुए हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, ये बताएंगे यहाँ के बारे में, इनको यहाँ पर कैसा लग रहा है, क्या फील आ रही है, ये सारा कुछ इनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करेंगे अभी हम। हाँ नमस्कार, आप लोग के मौके पर यहाँ पर जो महोत्सव लगा है इसमें हम लोग के भागीदारी हुआ है, इससे हम लोग को रोजगार मिल रहा है, इससे संतुष्टि तो है, मगर थोड़ा यहाँ पर भीड़ हो रहा है, मगर कुछ लूज काम चल रहा है, और क्या लोग सिर्फ प्रदर्शनी के लिए देखने के लिए सिर्फ आ रहे हैं। हाँ, अच्छा रिस्पांस मिले, हाँ, जिसको देख के आपने लगाया था कि अच्छा कुछ रिस्पांस मिलेगा, ऐसा नहीं मिल पाया, मिलने का मतलब ये है नहीं, नहीं ऐसा नहीं मिल रहा, मगर अब क्या करेंगे, अब तो भाई चलना तो हो करेगा। आप कहाँ से आए हुए? बनारस से आए। बनारस से आपने यहाँ पर आके स्टोर लगाया, हाँ? तो अभी दो तीन दिन हो चुके हैं आपको? आज पाँच दिन हुआ। हाँ। और ये कब तक चलेगा? संडे तक, दिसंबर को बोला है मगर मेला बता दिया है कि पड़ जाएगा, नहीं संडे तक मान लीजिए चलेगा। बैठे हुए समय पर, हाँ बस बस बस, जो रोजमर्रा के खर्चे होते वो भी पूरे नहीं, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। गाइस आप लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग आए यहाँ पर बच्चे, हाँ ये नहीं कि बस देखे घूम के निकल गए, ऐसा नहीं होता है ना कोई आस। अरे आते तब पब्लिक बहुत करीब करीब 10,000 पब्लिक आती है वहाँ, खाली बस खाली देखने वाले आते हैं। चलो अंकल जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, अंकल ने बात अपनी रखी बताई उन्होंने, अंकल जी हमारे इस चैनल पर आए, धन्यवाद सबसे पहले। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं अंकल जी मुझे मिले हैं जो कि ये कार्पेट वगैरह इनके पास है, इनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या बताते हैं इस मेले के बारे में। तो प्लीज आप बताएं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैजान सिद्दीकी है, मैं भदोही मोहल्ला पचबैया से आया हुआ जिले से। कन्नौज महोत्सव बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ लोगों की भागीदारी, और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो हम लोग का अल्लाह फजल से जो भी है चल रहा है सब सही है, लेकिन इसे परचेस नहीं हो रहा, भीड़ भाड़ तो बहुत ज्यादा है, नहीं हो पा रही है। उम्मीद हम लोग लगा के आए थे कि अच्छा परचेस होगा, लोग यहाँ पे अच्छा मार्केटिंग करेंगे, बिजी तो बहुत बढ़िया हो रही है, जी कस्टमर बुकिंग अच्छी हो रही है, बट कोई खरीदारी नहीं हो पा रही। आज पांच दिन हो गया हम लोग को आए हुए लगभग, तो आप निराश ना हो जी, अल्लाह ताला जरूर आपकी सुनेगा, यहाँ नहीं कहीं और सुनेगा। बहुत आपने हमारे चैनल पे आप बताई अपनी बात रखी, तो दिल से धन्यवाद जी। तो गाइस इस साइड देख सकते हैं कीज वगैरह के हैं काफ़ी, और ज्वेलरीज वगैरह भी हैं, साड़ीज वगैरह भी हैं, बट कस्टमर बुकिंग यानी कह सकते हैं कि लोग आवागमन तो बड़ा अच्छा है, कहने का मतलब ये है आवागमन बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन जैसा रिस्पांस यानी दुकानदारों को मिलना चाहिए था वो रिस्पांस कतई नहीं मिल पा रहा है, वो रिस्पांस कतई नहीं मिल पा रहा है, और क्या बताएं, ये तो लगा रहता है दुकानदारी का हाल ही ऐसा होता है। और साइड देख सकते हैं ड्राई फ्रूट की शॉप लगी हुई है, और सामने देख सकते हैं आइसक्रीम वगैरह जो कि कोन वाली आइसक्रीम, और इस साइड ये गरम कपड़े भी हैं यहाँ पर, और
और इस साइड देख सकते हैं कि बच्चों के लिए झूला भी सामने है। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। बट मैंने सारा कैप्चर किया है अपने इस ब्लॉग में, देखते हैं कि कैसा आप लोग मुझे प्यार दिखाते हैं। हालांकि दुकानदारों के कहीं ना कहीं संतुष्टिजनक वो सेल नहीं हो पा रही है। बहुत बंगला है अंदर इसमें, और यहाँ पर ये बच्चे काफी मौज मस्ती कर रहे हैं, जो कि देख सकते हैं आपके बच्चे काफी मजे ले रहे हैं। और इस साइड भी आप देख सकते हैं, और ये तो, और इस साइड ही काफी लॉन्ग वाला झूला लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। काफी स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने ये सोचा सबसे पहले, देखो हम हमेशा ब्लॉग में आते रहते हैं। अगर आप लोग मन में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं थॉट आ रहा होगा कि आप क्यों नहीं इस सामने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरी वॉइस है, मेरा चैनल है, सारा कुछ मेरा ही है, और हमेशा मेरी इमेज हमेशा आती रहती है, कहने का मतलब ये है। तो क्यों ना मैंने सोचा फिर ऐसे किया जाए, जो कि सबसे मतलब होता है कि दिखाने का तत्पर होता है, वो दिखाया जाए कहीं ना कहीं। तो भाई सारा कुछ स्टॉल्स मैंने दिखाए यहाँ के कैसे हैं, क्या हैं, और काफ़ी रनअप में, यानी जितना बड़ा पूरे ग्राउंड को कवर कर रखा है। ये कारपेट काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो सोचा निकलते निकलते मैं जा रहा था, सोचा मैंने इनको भी पहले कैप्चर कर लिया जाए। गाइस जैसा कि अभी आपको मैं दिखा रहा था यहाँ के कन्नौज महोत्सव का, ये पूरा ब्लॉग मैंने कैप्चर किया, फुल डिटेल बनाया है, दुकानदारों से भी मैंने बात की कि कैसा वो लोग यहाँ पर आके फील कर रहे हैं, कैसा क्या है। और जैसा कि आप इस साइड देख पा रहे होंगे कि नृत्य हो रहा है और ढोल भी बज रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बट दिख रहा है कहीं ना कहीं, हाँ दिख रहा है। तो बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहते हैं कि 4 तारीख तक ये और चलेगा, आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, आके देखें, आके थोड़ी सी कहीं ना कहीं खरीदारी जरूर करें। आके आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि यहाँ पर कन्नौज में आए, कुछ ऐसा कुछ हुआ हमारे लिए, वो भी सोच बैठे हुए, सभी लोग अपने अपने पेट के लिए बैठे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आए थोड़ी खरीदारी करेंगे, नहीं कि सिर्फ घूम के विजिट करके सभी लोग चले जाते हैं, बट ऐसा ना करें, कहने का मतलब ये है। कन्नौज महोत्सव 17 साल के बाद हुआ है, बड़ा ही भव्य हुआ है, काफ़ी शानदार हुआ है, पूरा ब्लॉग मैंने कैप्चर किया है। तो आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं इससे, और इससे पहले अगर आपने कन्नौज महोत्सव का वीडियो देखा है तो वो आपको वीडियो कैसा लगा, जो कि मैंने जो वीडियो बनाया वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।